हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि BHMS फर्स्ट ईयर में आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ना होते हैं, और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी आपके BHMS फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स होंगे तो उनमें से किन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होंगे, किन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम नहीं होंगे। देखिए गाइस, अभी क्या हुआ है कि जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा चेंज हो गया है। मतलब आपका जो 2022 बैच से BHMS का जो सिलेबस है वो थोड़ा चेंज हो गया है। इससे पहले क्या होता था, तीन ही सब्जेक्ट्स आपको होते थे, लेकिन अब से आपको टोटल 7 सब्जेक्ट्स होंगे। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से 7 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना होंगे BHMS फर्स्ट ईयर में, इनमें से किन के मतलब थ्योरी एग्जाम होंगे, किन के नहीं होंगे। तो आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने पेपर होंगे, है ना, और क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये मैं आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, जैसे कि आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आपको मैं बता देता हूं कि BHMS का जो कंप्लीट ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 5.5 ईयर्स का होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो आपका जो ड्यूरेशन है फर्स्ट ईयर का रहेगा कितने ईयर का 1.5 ईयर का, सेकंड ईयर रहेगा आपका 1 ईयर का, थर्ड ईयर रहेगा आपका 1 ईयर का, फोर्थ ईयर रहेगा आपका 1 ईयर का, और उसके बाद आपकी क्या होगी, कंपलसरी इंटर्नशिप होगी, वो भी कितने ईयर की होगी, 1 ईयर की होगी। तो इस तरह से टोटल ड्यूरेशन जो रहेगा वो कितना रहेगा, 5.5 ईयर्स का, 5.5 मतलब 5.5 साल का आपका ये कोर्स टोटल रहेगा। इससे पहले क्या होता था कि आपके BHMS फर्स्ट ईयर जो होता था वो 12 मंथ का होता था, फिर 12 मंथ, फिर 12 मंथ, फिर 12 मंथ, इसके बाद फिर इंटर्नशिप होती थी। तो इस तरह से यहाँ पर होता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंजेस आया है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ एग्जाम पैटर्न में भी चेंजेस आया है और आपके सब्जेक्ट्स में भी यहाँ पर चेंजेस आए हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, BHMS फर्स्ट ईयर में तीन ही सब्जेक्ट्स होते थे, इनमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और होम्योपैथिक फार्मेसी हुआ करता था, लेकिन अब से यहाँ पर इन्होंने कुछ और सब्जेक्ट ऐड किए हैं। जैसे कि बात करते हैं, ऑर्गेनियन ऑफ मेडिसिन हो गया, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका हो गया, रिपेटरी हो गया और योगा हो गया। हालांकि पहले ऑर्गेनियन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका ये पढ़ाते तो थे, लेकिन इनका एग्जाम नहीं होता था। इनका एग्जाम कब होता था, सेकंड ईयर में होता था, लेकिन अब से न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इनका एग्जाम जो है वो फर्स्ट ईयर में ही होगा। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आए हैं, और जो कि यही चेंजेस है कि आपके जो सब्जेक्ट वो थोड़े बढ़ा दिए हैं, ड्यूरेशन में यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया है। जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर आप 1.5 साल का कर दिया है, सेकंड ईयर फर्स्ट एक साल का है, थर्ड ईयर 1 साल का है, फोर्थ ईयर 1 साल का है, और इंटर्नशिप आपकी 1 साल की है। इस तरह से आपका जो BHMS का जो पूरा कोर्स है वो कितने साल का होने वाला है, 5.5 ईयर्स का होने वाला है। तो आज मैं आपको पहले बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट्स हैं और इनमें से आपको किस सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम देना है, किस सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम नहीं देना है। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल @ayurvedawings ज्वाइन नहीं किया है तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने आपको ये जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, इन सब्जेक्ट्स का डिटेल सिलेबस जो NCH की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था उसको मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखा है, तो जिसमें आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। अगर आप डिटेल में सिलेबस को देखना चाहते हैं कि BHMS फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट वाइज डिटेल सिलेबस क्या होगा, तो वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल @ayurvedawings वहाँ पर मैंने अपलोड कर रखा है। हालांकि नाम है ayurvedawings, लेकिन मैं सबको लेकर चल रहा हूँ, BMS, BHMS, साथ में BUMS के भी वहाँ पर मैं कुछ कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ। चलिए पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ किस तरह से, मैं वहाँ पर आपको बताता हूँ कि मैं कैसे आपको वहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। देखिए, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप आयुर्वेदा विंग सर्च कर लेना तो टेलीग्राम पर आ जाएगा। ये देखिए आप, ये मेरा चैनल है, और यहाँ पर आप देखिए, देखिए आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये देखिए मैंने BHMS ऑर्गेनियन ऑफ मेडिसिन हो गया ये सिलेबस अपलोड कर रखा है मैंने यहाँ पर, ये होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का सिलेबस है नए सिलेबस अकॉर्डिंग, होम्योपैथिक फार्मेसी सिलेबस आपको दिख जाएगा, हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी का सिलेबस दिख जाएगा, एनाटॉमी का आपको यहाँ पर सिलेबस दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे सिलेबस को अपलोड कर रखा है। देखिए, साथ में मैं यहाँ पर कंटेंट भी अपलोड करते रहता हूँ, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर BMS के मैंने अपलोड कर रखा है, संस्कृत का यहाँ पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप BMS के स्टूडेंट हैं तो आप भी इसे ज्वाइन कर लीजिए, मैंने BMS का काफ़ी कंटेंट वहाँ पर अपलोड कर रखा है, BHMS का भी मैं धीरे धीरे वहाँ पर कंटेंट अपलोड करूंगा। जैसे आपको, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, जिसके मैंने यहाँ संस्कृत का अपलोड किया है, और मैंने यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने BHMS का वहाँ पर एकेडमिक कैलेंडर भी अपलोड कर रखा है, तो इसे आप वहाँ पर जाकर
ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मैं BMS वालों को कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिजिटल नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको भी मैं वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। हालांकि देखो आप बोलेंगे भैया आप तो BMS वाले हैं, आपको BHMS कैसे आता है? तो देखिए, हालांकि मैं BHMS के लिए किसी स्टूडेंट को ढूंढ रहा हूँ जो आपको डिटेल में गाइड करेगा और आपको मतलब बताएगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या करना है पूरा, ठीक है। तो BHMS का जो होम्योपैथी वाला पोर्शन होता है वो आपको वो वाला मतलब मैं देख लूँगा कौन गाइड कर सकता आपको। उसके बाद ये रही बात मॉडर्न की, तो मॉडर्न का तो मैं ही आपको बताने वाला हूँ, मैं ही आपके लिए यहाँ पर नोट्स वगैरह बताऊँगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन होम्योपैथी की बात करते हैं तो होम्योपैथी वाला जो आपके लिए नोट्स है होम्योपैथी का स्टूडेंट ही बनाएगा, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप, इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, ग्रुप बना रखा है, जहाँ पर सारे आयुष फैमिली मतलब आयुर्वेदा के, यूनानी के, सिद्धा के, होम्योपैथी के सभी स्टूडेंट्स इस ग्रुप में आपको मिलेंगे। तो आप एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्ट होइए और अपना कंटेंट शेयर कीजिए और अपने जो भी व्यूज़ है आयुष कोर्स को लेकर वो भी आप यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर करीबन काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तब हमारे वीडियो के टॉपिक पर वापस चलते हैं। तो देखिए आप, तो BHMS फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं, तो पहला सब्जेक्ट होता है आपका एनाटॉमी, सेकंड फिजियोलॉजी, थर्ड होम्योपैथिक फार्मेसी रहेगा, फोर्थ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका रहेगा, फिर ऑर्गेनियन ऑफ मेडिसिन, फिर रेपरेटरी और फिर योगा। इस तरह से आपके BHMS फर्स्ट ईयर में 7 सब्जेक्ट्स होंगे। उसमें से आपको पेपर किसका देना है, मतलब आपका एग्जाम कौन कौन से सब्जेक्ट का होगा, तो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का होगा, ऑर्गेनियन ऑफ मेडिसिन का होगा, एनाटॉमी का होगा, फिजियोलॉजी का होगा और होम्योपैथिक फार्मेसी का होगा। तो इन 5 सब्जेक्ट्स के आपको थ्योरी एग्जाम देना होगा, फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम। और रहे जो 2 सब्जेक्ट, कौन सा, एक तो आपका रिपेटरी और दूसरा आपका योगा। तो इसके आपको एग्जाम नहीं देना है, इसमें सिर्फ क्या होगा, कुछ प्रैक्टिकल्स होंगे और उस प्रैक्टिकल के बेसिस पर ही आपको इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि मार्किंग स्कीम क्या रहेगी। तो देखो, अगर आप एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी के थ्योरी के 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, पेपर सेकंड वो भी 100 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से आपका थ्योरेटिकल पेपर रहेगा वो टोटल 200 मार्क्स का होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एनाटॉमी के आपके 2 पेपर होंगे, पहला तो पेपर फर्स्ट, दूसरा पेपर सेकंड। अब इसको 2 पेपर में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि सिलेबस थोड़ा वास्ट है, इसलिए यहाँ पर इसको 2 पेपर में डिवाइड कर दिया सिलेबस को। तो पहला पेपर रहेगा आपका 100 मार्क्स का, दूसरा पेपर रहेगा आपका 100 मार्क्स का। तो इसलिए टोटल मार्क्स जो थ्योरी का रहेगा एनाटॉमी का वो कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल और वाइवा के आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। तो एनाटॉमी का जो टोटल मार्किंग स्कीम है वो कितने में से रहेगी, 400 में से रहेगी, जिसमें से 200 तो रहेगा आपका थ्योरी का और 200 रहेगा आपका प्रैक्टिकल का, 200 रहेगा आपका प्रैक्टिकल का। वही अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में भी सेम 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का रहेगा, पेपर सेकंड 100 मार्क्स का रहेगा। टोटल थ्योरी के रहेंगे 200 मार्क्स, प्रैक्टिकल और वाइवा के रहेंगे 200 मार्क्स। तो फिजियोलॉजी में भी अगर हम बात करें तो थ्योरी के रहेंगे आपके 200 नंबर और प्रैक्टिकल के रहेंगे आपके 200 नंबर, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं होम्योपैथिक फार्मेसी की। तो होम्योपैथिक फार्मेसी का आपका सिर्फ एक ही पेपर रहेगा 100 मार्क्स का, प्रैक्टिकल के आपको मिलेंगे वहाँ पर 100 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरी के 100 मार्क्स हो गए और आपके प्रैक्टिकल के 100 मार्क्स हो गए। तो आपका ये कितने मार्क्स हो गए, टोटल 200 मार्क्स का हो गया होम्योपैथिक फार्मेसी। वही अगर हम होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, सेम वही आपका एक ही पेपर होगा 100 नंबर का, प्रैक्टिकल और वाइवा दोनों मिलाकर आपको 100 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। तो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका ये भी टोटल कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, ठीक है, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनियन ऑफ मेडिसिन, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, 100 मार्क्स का आपका थ्योरी रहेगा और 100 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 200 का। तो अगर हम पूरी मार्किंग स्कीम की बात करें कि BHMS फर्स्ट ईयर का आपका जब फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो कितने मार्क्स में से आएगा, तो टोटल मार्क्स में से आएगा कितना, 1400, जिनमें से ह्यूमन एनाटॉमी 400, ह्यूमन फिजियोलॉजी 400, उसके बाद होम्योपैथिक फार्मेसी ये कितने की रहेगी आपकी, 100 नंबर की रहेगी, देख लेता हूँ मैं, हाँ 200 मार्क्स की रहेगी, फिर सॉरी 200 नंबर प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के, है ना। फिर ऑर्गेनियन ऑफ मेडिसिन ये भी कितने नंबर की रहेगी, 200 नंबर रहेगी। और एक क्या बच रहा है आपका, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका,
और होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ये भी कितने का, 200 का। तो इस तरह से टोटल जो मार्किंग स्कीम रहेगी आपकी कितने नंबर की रहेगी, 1400 की रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मार्किंग पैटर्न आपका रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न आपका रहने वाला है। वही अगर हम बात करें कि आपको हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो आपको प्रैक्टिकल में अलग से और वाइवा में अलग से आपको मिनिमम जो परसेंटेज चाहिए वो चाहिए 50%। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि ह्यूमन एनाटोमी जो है ना, ह्यूमन एनाटोमी, ये टोटल कितना थ्योरी मार्क्स उसका कितने होने वाला है, मतलब थ्योरी का जो पेपर हो कितने मार्क्स का होने वाला है, 200 मार्क्स का होने वाला है। तो आपको पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, 100 मार्क्स चाहिए थ्योरी में। वही प्रैक्टिकल की बात करें तो इसका प्रैक्टिकल के भी कितने नंबर का होने वाला है, 200 का। तो प्रैक्टिकल में भी आपको कितने चाहिए, 100 चाहिए। तो मतलब आपको 200 मार्क्स चाहिए पूरे ओवरऑल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के ह्यूमन एनाटॉमी में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 200 नंबर चाहिए। तो इस तरह से आपके पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, 50% होना चाहिए हर सब्जेक्ट में। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर BHMS फर्स्ट ईयर का सिलेबस बता दिया। इसके अलावा मैंने मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको यहाँ पर बता दी कि किस तरह से यहाँ पर इस सब्जेक्ट में होने वाला है। तो आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें से 5 सब्जेक्ट्स के एग्जाम होंगे और 5 सब्जेक्ट्स के एग्जाम और 2 सब्जेक्ट्स के एग्जाम नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट डिटेल दिया BHMS के बारे में। और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी स्टूडेंट्स को पूछकर जो भी होम्योपैथी पढ़ रहे हैं कि आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, तो मैं वो वीडियो भी लाने वाला हूँ। तो अभी आप बुक मत खरीदिए, ठीक है, अभी आपके टाइम है कॉलेज स्टार्ट होने के। मेरे ख्याल से आपके 20 नवंबर को कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे पहले पहले मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा कि आपको BHMS फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। मैं फिर किसी होम्योपैथिक स्टूडेंट से पहले बात करूंगा, उसके बाद ही मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, है ना, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको लगातार कंटेंट मिलता रहेगा, आयुष से रिलेटेड न्यूज़ आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। तो आप वहाँ पर क्या रहेंगे, सारी न्यूज़ से कंटेंट से अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इतने अच्छे कंटेंट का और इतने अच्छे वीडियोस का बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।